पास आई है अपनी थार। मैंने सारी गाड़ियां चला ली है बट थार नहीं चलाई थी, तो आज हमारे पास थार आई हुई है जो कि हमारे निशु मामा जी की है जो कि इधर बगल में बैठे हुए हैं। एंड तो आज थार चला के देखते हैं एंड उसको टेस्ट ड्राइव करते हैं 4x4 में चला के। एंड तो चलिए गाइस आज के ब्लॉग का हम स्टार्ट करते हैं। हे गाइस छोटो गोलो बड़ो को नमस्ते, मैं संदीप भगत एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सैंडी ब्लॉग। तो चलिए गाइस चलते हैं बाहर एंड थार का टेस्ट ड्राइव लेते हैं। तो चलते हैं गाइस बाहर। हमारी जो थार है वो यहाँ बाहर खड़ी हुई है जो कि ब्लैक कलर की, और ये अपने भैया जी हैं और वो निशु मामा जिनकी थार है। ये है 4x4 और ब्लैक कलर की है। तो आज टेस्ट ड्राइव कर ही लेते हैं गाइस। मन में था काफ़ी दिनों से कि मैं थार ड्राइव करूं, थार चला के देखूं और थार चलाने का क्या एक्सपीरियंस है वो भी बताता हूं और अंदर से इंटीरियर कैसा है वो भी दिखाता हूं गाइस। दिखने में तो काफ़ी अच्छी है, काफ़ी तगड़ी लग रही है और चलाने में भी क्या वैसी ही है, देखना पड़ेगा गाइस। तो चलते हैं गाड़ी के अंदर। ये की और हम नदी गए थे नदी। तो फाइनली गाइस मैं गाड़ी के अंदर आ चुका हूँ और जो गाड़ी का इंटीरियर है काफ़ी अच्छा है। ये 4x4 का ये छोटा वाला जो गियर दिया है ये है, लो गियर नीचे का है और हाई गियर ऊपर का है और बाकी ये तो नॉर्मल है मैनुअल। ये महिंद्रा का लोगो एंड फीचर काफ़ी अच्छा है। और लोग बोलते हैं थार में स्पेस कम होती है गाइस, बट यहाँ स्पेस तो काफ़ी अच्छा है, मतलब 5 लोगों के लिए काफ़ी जगह है इसमें। तो चलिए गाइस देखते हैं स्टार्ट करके। इतना बड़ा बड़ा मोटा टायर है तो सेकंड हैंड हो। और इन लोग मेरे से मिलने आए हैं। हे गाइस तो फाइनली अभी हम लोग पहुंच चुके हैं कांसाबेल। हम लोग को कुछ कुछ सामान लेना था इसलिए अपन कांसा लेना है बोल। तो हम लोग कुछ लेना था इसलिए अपन आए थे कांसाबेल और अभी पहुंच चुके हैं। एंड मैं अभी ड्राइव कर रहा हूं और एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था, मज़ा आ गया चलाने में। और अभी सोच रहे हैं मतलब 4x4 का मज़े लेने के लिए नदी जाएंगे, नदी में बट टेस्ट ड्राइव करेंगे करके। तो फिलहाल अभी कांसाबेल से निकलते हैं एंड मैं वहाँ मिलता हूँ, नदी में मिलता हूँ आप लोग से गाइस। हे गाइस तो मैं कुछ बताना चाहता हूँ, अभी मैं गाड़ी को ड्राइव कर रहा हूँ। गाड़ी जहाँ से भी निकल रही है ना, लोगों का रिएक्शन देखने में काफ़ी मज़ा आ रहा है क्योंकि जितने भी लोग हैं सारे पलट पलट के देख ही रहे हैं, मतलब कि आखिर रोड से क्या गुजर रही है करके। तो सारे लोग देख रहे हैं तो थोड़ा अच्छा लग रहा है और हम लोग भी भौकाल मार रहे हैं थोड़ा सा। तो इधर सामने शॉप में दुकान हो गया उधर और इधर साइड से वगैरह सब निकल के देख रहे हैं, मतलब कि आखिर है क्या क्या गाड़ी है भाई ऐसा। तो अच्छा लग रहा है और महिंद्रा थार चलाने का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा मेरा। एंड और कुछ भी ड्राइव करना बाकी है, फोर व्हील टेस्ट करना बाकी है तो उसको भी करते हैं नदी में, उसके बाद फिर मज़ा ही आ जाएगा। फिर यहाँ से उतरते हुए नदी वदी, अरे बहुत इजी उतर गया वे, ये पता भी नहीं चला कि साला ऐसे जगह उतर रहा है भाई। मतलब मिला है भाई लोग को, तो फिर मतलब जैसे ऐसा रोड खोजा जा रहा है चलाने के लिए। सही बोल रहा हूँ ना ब्लॉग गाड़ी निकल गया बाहर, वो भी मतलब 4x4 लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, 2x2 में ही निकल गई गाड़ी। बहुत प्यार से मतलब मजा ही आ गया। तो अब चलते हैं तो गाइस, तो 4x4 लेने का जरूरत नहीं है। ज्यादा ऑफ रोडिंग बोल के ले लेते हैं 4x4, तो मतलब नॉर्मल भी ले सकते हैं, 4x2 भी चल सकता है। काफी जगह में थोड़ा गहरा है पानी, मतलब पानी थोड़ा ज्यादा है, तो देखना ये है कि वहां से गाड़ी निकल पाती है या फिर नहीं। ये गाड़ी तो बहुत सही जगह में आके रुकी है। और
और हमारे साथ कौन कौन बैठे हैं मैं उनसे भी मिला देना चाहता हूँ, एक बार सभी से मिलाता हूँ। ये हमारे ईशु मामू जी, और उधर विवेक, और पीछे भाई है एक, और उधर बहुत मजा आ गया गाइस ऐसा देखने के लिए। हमेशा अपन वीडियो में देखा करते थे थार को ऑफ रोडिंग यूज करते हुए, लेकिन आज अपन सामने में देख रहे हैं ऑफ रोडिंग करते हुए, तो बहुत अच्छा लग रहा है। पानी यहाँ तक आ गया क्या? वहां रुकना ना, वहां पर चढ़ान के टाइम में। ये आशीष आशीष भाई है और उधर निशु मामू है, और इनका अभी क्या टाइमिंग हो गया अभी घर जाने का, तो इनको बाय बोलते हैं। और इनकी थार चला के काफ़ी अपन को बहुत अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस लिए अपन गाड़ी को, ऑफ रोडिंग चलाए, ऑन रोडिंग चलाए, मतलब जहाँ मन किया वहाँ चला के देख लिए, काफ़ी अच्छा लगा, इसलिए थार मेरे को भी बहुत अच्छा लगा। एंड इनको अभी बाय बोलते हैं, गुड नाइट बोलते हैं, क्योंकि इनको अभी लेट हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा लेट, तो गुड नाइट रहेगा। आप लोग जाओ अच्छे से, और आज दूसरा दिन अपन मिलते हैं अब बिलासपुर में, या तो फिर यही है ना। हाँ ठीक है, चलिए फिर बाय रहेगा, आप लोग निकलो है ना। और ये तो प्रभाकर है अपना, और ये तो प्रभाकर है, और आज का मौसम काफी अच्छा है, चांद निकला हुआ है, एंड चांदनी रात है, और हल्का हल्का ठंड लग रहा है, और अभी गाड़ी घर के लिए निकल चुकी है।